हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राधे कृष्णा। तो बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट आ रहा था कि आप अपने लड्डू गोपाल का रूम दिखाइएगा हमें, तो किस तरीके से आपने लड्डू गोपाल का रूम डेकोरेट कर रखा है और क्या क्या चीज़ें उसमें रख रखी हैं लड्डू गोपाल की। तो देखिए, ये मेरा छोटा सा मंदिर है, ज़्यादा स्पेस नहीं है, जितनी भी जगह है मैंने अच्छे से उसमें एडजस्ट कर रखा है लड्डू गोपाल का रूम। तो देखिए, मैंने बेड खुद से ही बनाया था, ये एक मिठाई का डिब्बा है उससे मैंने लड्डू गोपाल का बेड बनाया था। और ये जो बीच में सोफ़ा रखा है, ये मैंने मोबाइल का एक कवर था उससे लड्डू गोपाल का सोफ़ा बनाया था। और ये लड्डू गोपाल का झूला है, ये भी मैंने बनाया था। और पर ये कूलर मैं लड्डू गोपाल का मार्केट से ही लेकर के आई हूँ। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें मैंने लड्डू गोपाल की बनाई हुई हैं। ये पिंक कलर का सोफ़ा भी मैंने चूड़ी का जो बॉक्स आता है, डिब्बी आती है, मैंने उससे बनाया था। पहले पिंक वाला बनाया था, आफ्टर लोगों की मेरे पास कमेंट आ रहा था तब मैंने ये दूसरा वाला लड्डू गोपाल का सोफ़ा बनाया था। तो और भी आपके साथ मैं वीडियो शेयर करती रहूँगी जो भी मैं बनाऊँगी। तो ये मैंने लड्डू गोपाल का सामान इसमें रख रखा है, भूलन की ड्रेस हैं, एक में लड्डू गोपाल के बिस्तर हैं, और एक में सर्दियों की पोशाक हैं, एक में गर्मियों की पोशाक हैं, और एक में लड्डू गोपाल की ज्वेलरी रखती हूँ मैं। तो इस तरीके से देखिए, मैंने इसमें लड्डू गोपाल की सारी ज्वेलरी रख रखी हैं। ज़्यादा सामान मेरे पास नहीं है लड्डू गोपाल का, क्योंकि ज़्यादा ले लो फिर इधर उधर पड़ा रहे, तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ, उतना ही सामान लेती हूँ जितना उनके यूज़ का है। मैंने इसमें गर्मियों की पोशाकें रख रखी हैं लड्डू गोपाल की, ये भी बॉक्स मैंने बनाया था। इस तरीके से मैंने सारा सामान लड्डू गोपाल का एडजस्ट कर रखा है। देखिए, छोटे छोटे जो हाथ वाले पंख है, जो हमारे यहाँ बीजना बोलते हैं, वो भी मैंने लड्डू गोपाल के लिए बनाए थे। मेरे पास जब कूलर नहीं था लड्डू गोपाल के लिए, तो इसलिए मैंने इनके लिए फिर बीजना बनाया था हवा करने के लिए, जिससे इनको गर्मी ना लगे। तो इनको शाम को सुलाते समय फिर मैं इसी पंखे से हाथ से हवा करती थी लड्डू गोपाल की। और ये छोटा सा मटका जो आप देख रहे हैं, मार्केट में इजीली बहुत मिल जाता है। आप भी गर्मियां आ गई हैं तो लड्डू गोपाल के लिए तुलसी का पत्ता डाल करके उसमें जल अवश्य रखें लड्डू गोपाल के लिए। तो ये छोटा सा मेरा रूम है, पूजा घर है, इसी में मैं लड्डू गोपाल की वीडियोज़ बनाती हूँ। और मैंने बाकी के ऊपर देवी देवता रखे हुए हैं। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा।